वेलकम बैक। अभी अपने चल रहा था केस स्टडी, तो अपन बात करते हैं इलेवंथ केस स्टडी पे। तो यहां पर इलेवंथ केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं अपन। मिस्टर एक्स हैज सेट अप ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहां पर सेटअप किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को? चित्तौर, आंध्र प्रदेश। ऑन 1st of April 2019। कब अब सेटअप किया है? 1st of April 2019 को चित्तौर। आंध्र प्रदेश इज नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, जो कि आपको बता रहे हैं नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। देखो जब अपन बात करते हैं पिछले साल के अंदर, वहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन, बैकवर्ड एरिया में यदि कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहां एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट था 35%। अभी तो इस साल मैंने कहा वो प्रोविजन हट चुका है, विड्रॉ हो चुका है। अब डेप्रिसिएशन एडिशनल चार्ज होगा 20%। कितना रेट चार्ज होगा? 20% से। लेकिन ये आपके अप्रैल 2019 की बात कर रहा है, तो वहां आपको फोकस करने के लिए कह रहा है। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है जो कि आपके पुराना प्रोविजन जो याद रखते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में बहुत रेयर केस में आएगा। क्योंकि पिछले साल प्रोविजन था एडिशनल डेप्रिसिएशन का 35%, इस साल तो आपके डेप्रिसिएशन एडिशनल क्या मिलेगा? 20%। अब इस केस में कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 मिस्टर एक्स परचेज द फॉलोइंग असेट्स। ये असेट्स परचेज की डेट ऑफ परचेज एंड पुट टू यूज, जिसे अपन बात करते हैं डेट ऑफ पुट टू यूज के बारे में बता रहे हैं। 7th of June 2019, 25th of July 2019, 14th of June 2020 एंड 15th of May 2020 असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी एक्स के लिए अपन बात कर रहे हैं 14,75,340। 25th of July 2019 के लिए आ रही है ऑफिस फर्नीचर, ये आपके आ गया 7,65,400। 14th of January 2020 प्लांट एंड मशीनरी वाई 5 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी जेड 8 लाख, ये आपके इस केस में बता रहा है। ही हैज पेड प्रोफेशनल फीस 35,000 ईच टू मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी रेस्पेक्टिव। ऑन 10th of September 2020 क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेम डे, और उसको आपने सेम डे बुक्स में क्रेडिट कर लिया। यानी ही हैज प्रोफेशनल फीस, जैसे प्रोफेशनल फीस पे आपके 30,000 से ऊपर पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, तो ये हर एक को कितना पे करा है? 35,000 ईच, हर एक के लिए ईच, मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी रेस्पेक्टिव 10th of September 2020 क्रेडिटेड टू द इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सेम डेट, और सेम डेट को आपने बुक्स में क्रेडिट कर दिया। डिस्कस द सेम लीगल मैटर रिलेटिंग टू द बिजनेस, द नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 6D कंप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस इनकम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 1.2 करोड़ इस केस के अंदर आपके बता रहा है, पिछले साल के बताता है। तो हमें तो पिछले साल के हिसाब से देखना होता है, लेकिन इसने तो अपने 2021 के लिए बता रहा है कि 1.2 करोड़ है। तो आपको टीडीएस की रिक्वायरमेंट आती है, मैंने आपको बताया था कि टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट कब आती है, जब आपके प्रीवियस ईयर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट हुई है। मिस्टर एक्स हैज 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ MNO प्राइवेट लिमिटेड 21st of October 2020। MNO प्राइवेट लिमिटेड ब्रॉट बैक, यानी बायबैक की बात कर रहा है, ब्रॉट बैक यानी बायबैक की बात कर रहा है 50% ऑफ द शेयर्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर अमाउंट ₹13,50,000। तो बायबैक ऑफ शेयर सेक्शन 46A के अंदर मैंने कहा था कि यदि बायबैक जो पर्सन करता है, तो वहां पर यदि डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है तो उसे एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है, और ये एडिशनल इनकम टैक्स का रेट होता है 20%। आपको याद होगा 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, जब अपन बायबैक करते हैं, तो वो प्रोविजन इस केस में बताता है। वह इश्यू ऑफ ₹4,05,70,000 विच इंक्लूड 1,15,000 टुवर्ड द प्रीमियम, और उसके लिए प्रीमियम का अमाउंट आपके बता रहा है 1,15,000 टुवर्ड, जो कि इंक्लूड है उसमें, इंक्लूड 1,15,000 टुवर्ड एज ए प्रीमियम। अब वो ये बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन द अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो अब अपन बात करते हैं व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी वाई अलाउएबल एज ए डिडक्शन
अंडर कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफिशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। तो देखो यार, प्लांट एंड मशीनरी के लिए बात करता हूं, तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी कितना आ रहा है, 375,000 ओपनिंग आ रहा है, और 375,000 ओपनिंग आ रहा है, तो इस केस में मैं डेप्रिसिएशन बात करूं 15%, दिस वन आपके आ जाएगा, कितना आ जाएगा दिस वन, और इसके साथ साथ एडिशनल आपके एडिशनल बैलेंसिंग फिगर आपको जो बच गया वो इस केस में आपको मिलेगा यहां पर 83,500, तो ये जाएगा 1,43,750, ये आपके इसमें आ जाएगा। तो आपको एक बात बता देता हूं, मैंने कहा कि आपको बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा, ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर जो लास्ट ईयर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाए थे ना, तो वो बैलेंस अमाउंट हमारे यहां पर कैरी ऑन हो किया जाएगा। आपको मैंने इस साल भी बताया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट है 20%, लेकिन यदि आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया तो आपका 10% ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और वो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स पे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स पे, बाकी का बचा हुआ 10% आपको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में परमिटेबल हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर मैंने कहा बैकवर्ड एरिया में है तो डेप्रिसिएशन रेट कितना था, 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट था 35%, लेकिन चार्ज हो पाया 50%, तो बैलेंसिंग फिगर आपके, ये बैलेंसिंग फिगर इस साल आपके आके लेस हो जाएगा, तो 1,43,750 ये आपके डेप्रिसिएशन को बताता है। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो 15%, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो पिछले साल का बचा हुआ 50% यहां पर आपके बुक हुआ है। तो ये चीज इस केस में बता रहा है। अभी अपन बात करते हैं आगे, व्हाट शैल बी द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 अलाउएबल एज ए डिडक्शन विल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफिशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर अपन बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन आपके दिस वन एक्स पे, फर्नीचर पे अपन बात करते हैं ऑफिस फर्नीचर की अपन बात करें दिस वन, और इसके बाद वाई और जेड पे अपने ये डेप्रिसिएशन आपके आएगा, तो टोटल इसमें ये आ जाएगा। तो अपन इधर कैलकुलेशन दिखा देता हूं मैं आपको, देखो आपके 1920 मशीनरी है एक्स, आप समझना एक्स 1920 में 7th ऑफ जून 2019 को परचेज किया, तो ये आ रहा है 1,14,75,340, 15% तो क्या मिलेगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और पिछले साल मैंने कहा एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 35%, तो इसको तो पूरा 35% मिल जाएगा, क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज और मोर है, पुट टू यूज 180 डेज और मोर है, तो आपकी ये वाली तो पुट टू यूज 180 डेज और मोर है, तो डब्ल्यू डी वी दिस वन आ जाएगी। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर केवल डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो एक तो ये आ जाएगा 7,73,670 पे आपके डेप्रिसिएशन चार्ज किया 15%, तो आ जाएगा 1,10,665, ये आपके आ जाएगा आपके 1,10,650 रुपीज, 51 कर लो चाहे इसको 51 कर लो, राउंड ऑफ कर लोगे 51 हो जाएगा, तो 1,10,651 कर लो इसको, ये आ गया। इसके बाद अपन बात करते हैं अनादर असेट्स ऑफिस फर्नीचर पे, ऑफिस फर्नीचर पे 1920 में ऑफिस फर्नीचर पर रेट 10% है, तो 15th of June को परचेज किया 7,65,400 का, तो 10% आपके ये जगह 76,540 लेस कर दिया। अब इसके बाद इस साल का ड्यूरिंग द 2021 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 68,886, और फिर इसके ऊपर WDV आपके इसमें आ जाएगी, तो दूसरा डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा 68,886। ऑफिस फर्नीचर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो वहां एडिशनल नहीं लगाया ड्यूरिंग द ईयर, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जेड की मैं बात करता हूं, तो इस केस में इसे हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल परचेज किया है, तो यहां पर इस पे लग जाएगा 8 लाख का 15%, तो नॉर्मल, और इस साल एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट है सर 20%, तो मैं यहां पर 20% पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा, तो टोटल हो जाएगा 120 + 160 = 2,80,000, तो ये इस चीज के अंदर आपके बताता है। और अपन देखें तो सिंपली बात करें तो टोटल इफेक्टिव रेट कितना, 15 + एडिशनल रेट 35, और इस साल इसमें 15 + 35 आप डायरेक्ट भी 50% कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप तो ध्यान अपनी रेट पे देना 15, और पिछले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन इस पे था 35%,
पिछले साल का आपको याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपको करंट ईयर की ही रेट याद करनी है, पीछे के सालों के आपको रेट कहां तक याद करोगे, तो इसलिए ऐसा एग्जाम में नहीं बनेगा। लेकिन दे रखा है आपके बुकलेट में, तो अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। करंट ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट क्या है, 20%, तो ये आपके इसमें बताता है। तो हम इसका टोटल लगा लें, तो टोटल लगा के मेरा पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा दिस वन, तो ये हमारे पास आ गया कितना, दिस वन, इधर आ जाइएगा, 6,03,287 ये मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो टोटल मैंने इनका लगाया है, तो टोटल लगा के ये डेप्रिसिएशन मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। आगे आते हैं, मिस्टर एक्स वांट टू नो फ्रॉम यू वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट ऑन प्रोफेशनल फी टू मिस्टर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, इफ टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड देन द व्हाट वुड बी द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। तो देखो 35,000 तीन लोगों को पेमेंट किया और टीडीएस का रेट क्या है, अभी मैंने कहा कोविड की वजह से आपके रेट रहेगी 7.5%, तो ये आ जाएगा आपकी दिस बात, तो 1,05,000 35,000 × 3 1,05,000 और उसका 7.5% आ जाएगा 7,875। देन व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड बाय बैक ऑफ इट्स शेयर्स। तो यदि बायबैक कर रही है तो बायबैक में मैंने कहा कि जो एडिशनल इनकम आती है उस पर टैक्स देना पड़ेगा 20%। तो अपन बात करते हैं यहां पर बायबैक कर रही है 13,50,000 में, और वहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या दिखाई दे रही है, इंक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम 5,70,000 लेस कर दो, तो ये एडिशनल इनकम दिखाई दे रही है 7,80,000, और 7,80,000 पे डीआर मेरे को एडिशनल इनकम टैक्स देना होगा 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये आ जाएगा मेरा राउंड ऑफ में 1,81,710 कर लो, 710 राउंड ऑफ में कर लिया, तो दिस वन अमाउंट हो जाएगा 1,81,710 रुपीज इस केस में एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होगा जब अपन बायबैक पढ़ रहे थे सेक्शन 46A में, याद करो बायबैक ऑफ शेयर्स, तो वो आपके इस केस में बताता है। तो यहां एडिशनल इनकम टैक्स यानी जितने में बायबैक कर रहा है ऑफर प्राइस माइनस जो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम आपको इसमें से लेस करना है, लेस करने के बाद जो इनकम आ रही है उस पर 20% टैक्स 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन आपको चार्ज करने के लिए बताता है। नाउ 4 अपन आते हैं, इसके बाद 4th हो गया, अब आते हैं 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12, केस स्टडी नंबर 12, एबीसी एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म, क्या है ये पार्टनरशिप फर्म है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द सेल्स ऑफ द फुटवेयर, क्या बेच रही है फुटवेयर बेच रही है, पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्टनर ए बी सी, ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर, ए और बी तो क्या है वर्किंग पार्टनर है, तो वर्किंग पार्टनर को तो रेमुनरेशन मिल जाएगा, लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है वो सोता है तो खोता है, मैंने बताया था आपको वहां पर कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। द फर्म इज लायबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB of act has a books profit rupees 11,50,000 aur uska book profit kitna aa raha hai book profit 11,50,000 following payment were made to the partner authorized by the partnership deed remuneration a and b 32,000 per month each partner har ek partner ko 32,000 remuneration to mr c 10,000 per month lekin wo c hai तो वो स्लीपिंग पार्टनर है, दो ही आपके वर्किंग पार्टनर है, तो स्लीपिंग पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19.5%, तो 12% से एक्सेस हो गया, ये 12% से एक्सेस हो गया, तो एक्सेस अमाउंट डिसअलाउ कर दो ईच पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17% सी को आपको देना, ये तो ए और बी के लिए है, ये सी के लिए है, और वो ईच ऑफ द पार्टनर बता रहा है। द फर्म हैज द फॉलोइंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ द ईयर, तो फर्म के पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहा है 18-19 का 26,000 लॉस, और अब जो डेफिसिट 17,600, 19-20 78,000, 29,816, 20-21 1,05,670, और ये जगह 54,180, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है 5,300, और ये आ गया 13,470। बेस्ड ऑन द फैक्ट द केस सिनेरियो गिव द अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग, जैसे अपन बात करते हैं
तो यहां पर मैंने कहा बुक प्रॉफिट के अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट हो रखे हैं 44 एडी के, तो यहां पर अनऑब्जर्व डेप्रिशन तो इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है, ऑलरेडी एडजस्टेड है, सिर्फ अब तो किसको एडजस्ट करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को, जबकि अनऑब्जर्व डेप्रिशन तो बुक प्रॉफिट में ऑलरेडी एडजस्टेड दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी एडजस्टेड इन द बुक प्रॉफिट। तो अब अपन बात करते हैं यहां पर पहला, व्हाट अमाउंट द इंटरेस्ट इज अलाउड टू द डिडक्शन इन द हैंड ऑफ द फर्म। तो डिडक्शन के पास मैंने कहा 12% तक इंटरेस्ट अलाउड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मैंने लिखाया था एट द रेट ऑफ 12%। तो यहां पर 37,000 आपके दी जा रही है, किस रेट से, 19.5% की रेट से, तो 12% तक अलाउड है, तो ये आपके अलाउड गेन का। मिस्टर सी को आपके दिस वन अमाउंट दिया जा रहा है, तो ये अमाउंट आपके दिया जा रहा है 17% के रेट से, तो 12% आप निकाल लो, तो जैसे मैंने प्रोपोर्शनेट किया तो ये आ जाएगा 7,440, 12% से एक्सेस हो गया, तो 30,000 आप 209 रुपीस ही इंटरेस्ट आप दे सकते हो, तो ये ही इंटरेस्ट आपके परमिटेबल दिखाई देगा, 30,209 जो 12% तक है वो ही अलाउड होगा, उससे एक्सेस अमाउंट फर्म के अलाउ नहीं होगा। What amount the redemption not deductible in the hand of the firm will computing the profit and gain of the business and profession. देखो sleeping partners को तो कभी partner redemption मिलता ही नहीं है, तो what amount the redemption not allowable, कितना allow नहीं होगा, जो sleeping partner का है 120 आपके नहीं मिलेगा, बाकी का partner redemption allowed होगा, वो कैसे होगा देखिएगा। अपन बात करते हैं book profit, question में दे रखा है 11,50,000, ये बुक प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 11,50,000। अब 11,50,000 जो बुक प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 40B में, सेक्शन 40B याद करो, पार्टनर रेमिशन के लिए अलाउड होने के लिए अप टू 3 लाख बुक प्रॉफिट है, अप टू 3 लाख बुक प्रॉफिट, तो 150 या 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट विच एव इज हायर टू 70 आपके आ जाएगा, और अबव जो इससे चला गया उसके ऊपर आ जाएगा 8,50,000 का 60%, 5,10,000, तो मैक्सिमम पार्टनर रेमिशन हो जाएगा 7,80,000, मैं 7,80,000। तो यहां पर आपने दिया ही कितना है पार्टनर्स को रेमिशन, तो अपन ने पार्टनर्स को रेमिशन दिया 32,000 एक पार्टनर को, मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ, तो 12 महीने का, और दो पार्टनर हैं तो ये हो गया 7,68,000, जबकि एज पर द सेक्शन 40B आप कितना दे सकते हो 780, तो उसके अंदर दे रखा है, तो ये तो आपके परमिटेबल होगा। तो हम सिर्फ डिसअलाउड कितना करेंगे, हम सिर्फ डिसअलाउड करेंगे 120 जो स्लिपिंग पार्टनर्स को हमने दिया गया है, जो कि मैंने स्लिपिंग पार्टनर्स को दिया गया, केवल वही पार्टनर्स रेमिशन मेयर को डिसअलाउड करना रहेगा स्लिपिंग पार्टनर वाला, ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। अब आइए आगे, What is the due date of filing of the return of income? देखो जब आपके मैंने कहा टैक्स ऑडिट हो रही है, तो आपके फर्म के लिए तो 31st of October हो जाएगी, और उस पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट 31st October हो जाता है जिसके फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट के ऑडिट 31st October हो रही है। मैंने आपको बताया था, याद हो रहा होगा आपको, कि मैंने कहा जिस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट और रेमिशन तब डिसाइड करेगा जब फर्म की ऑडिट होगी, तो फर्म की ऑडिट होने के बाद है, तो फर्म के लिए जो पार्टनर है जिनके फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट हो रही है, तो उनके लिए ड्यू डेट क्या होगी, 31st of October। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बोथ ए बी सी चाहे कोई भी हो उसके लिए रेट क्या होगी, 31st of October, क्योंकि उनके फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट हो रही है, उससे उनका प्रॉफिट लॉस डिसाइडेड होने वाला है। व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन इन द हैंड ऑफ ए बी सी एंड कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो अपन बात करें, देखो बुक प्रॉफिट आ रहा है 11,50,000 में से पार्टनर रेमिशन लेस कर दो 7,68,000 और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और आपके लेस होंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और लेस होंगे, तो लेस करने के बाद आपकी इनकम कितनी दिखाई देगी, तो यहां पर अपन ये लेस कर दें, पार्टनर रेमिशन लेस कर दें, तो इसने कहा व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट इन द हैंड ए बी सी एंड कंपनी, तो ये लेस कर दो, तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो बचा आपके सर 1,72,330, क्योंकि ये लेस और हो जाएगा, बुक प्रॉफिट में से अनऑब्जर्व डेप्रिशन ऑलरेडी लेस है, ऑलरेडी लेस होता है, तो ये आपका एडजस्टमेंट करना है।
तो ये हमारे इस केस में बताता है। तो आई थिंक आपको इस सेकंड केस स्टडी में भी, ट्वेल्थ स्टडी में भी कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 13। मिस्टर सार्थक अब एज 37 ईयर है, सार्थक का एज क्या रहा है 37 ईयर है, इज शेयर ब्रोकर, और वो क्या है शेयर ब्रोकर है, सोल्ड ए बिल्डिंग ऑफ टू फ्रेंड, तो बिल्डिंग बेच रहा है तो बिल्डिंग इसके लिए क्या हो गई कैपिटल असेट्स, शेयर ब्रोकर है ना तो बिल्डिंग इसके लिए क्या हो गई कैपिटल असेट्स एज पर सेक्शन 214। किसको बेच रहा है, हिज फ्रेंड अनय हु इज द डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, तो उसके लिए भी ये क्या हो गई कैपिटल असेट्स हो जाएगी, गिफ्ट बन जाएगा कैपिटल असेट्स हो जाएगी, फॉर 120 लाख ऑन फर्स्ट 10th of November 2020 व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख, द एग्रीमेंट वाज हाउवर द एंटर इनटू 1st of September 2020 व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 140 लाख, द सार्थक हैज द रिसीव ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹15 लाख बाय द क्रॉस चेक, जो भैया क्रॉस चेक से पेमेंट हुआ है तो अदर देन अकाउंट पे चेक डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर ईसीएस एनईएफटी आरटीजीएस के अलावा किसी मोड से पेमेंट हुआ है, क्रॉस चेक से पेमेंट हुआ है, तो इट्स मीन आपके क्या माना जाएगा क्रॉस चेक से पेमेंट हुआ है तो हम ये मानेंगे कि आप एग्रीमेंट वाली डेट ना लेके आप जिस दिन रजिस्ट्री हुई है उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आपको कंसिडर करना होगा। फ्रॉम अनय ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट खत्म हो गई अब आपके, द सार्थक परचेज द बिल्डिंग 95 लाख ऑन द 10th of May 2017, सार्थक ऑल्सो सोल्ड द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन द रूरल सिचुएटेड इन द विलेज विच हैज टू पॉपुलेशन 5,800, यानी 10,000 से कम है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गई, रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गई, वो रूरल एग्रीकल्चर 460 लाख टू मिस्टर विवेक ऑन 1st of November 2021 विच द अक्वायर ऑन 15th of June 2014 ₹45 लाख, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर है तो कोई मतलब नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड 1st of March 2021 ऑफ 65 लाख। देखो एग्रीकल्चर लैंड जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड है तो नॉट ए कैपिटल असेट्स, नॉट ए कैपिटल असेट्स, तब डियर वो कैपिटल असेट्स ही नहीं है तो उसका कोई ट्रीटमेंट करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब वो कैपिटल असेट्स ही नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स आपके दिया गया है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेस, तो उस पे कैलकुलेट करना है तो अपन बात करते हैं 13.1, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स इट सोर्स ऑन कंसिडरेशन पेड पेबल ट्रांसफर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, यस 194 IA में यदि आपकी कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख या मोर है 50 लाख या उससे ज्यादा है तो ऐसे केस में आपको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो कि 194 IA में 1% है और ड्यू टू द कोविड इंपैक्ट ये रेट हो जाती है 0.75%, यहां पर आपको TDS डिडक्ट करना होगा। TDS आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे कभी भी डिडक्ट नहीं होता, हमेशा एक्चुअल पे कंसिडर पे होगा। यस अनय इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इट सोर्स अंडर सेक्शन 194 IA, तो पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं सेकेंड, What amount the capital gain are chargeable to tax in the hand of Mr. Sarthak in respect of the transfer of the building? तो जैसे अपन बात कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपन को देखनी होगी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है 150 लाख और हमने परचेज कितना किया था 95 लाख में, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स का बेनिफिट लो 272 जब आपने परचेज किया और जब ट्रांसफर हो रहा है तो उस साल का इंडेक्स है 301, तो ये आपके आ जाएगा दिस वन, तो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया दिस वन 44,87,132 इस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आइडेंटिफाई हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट द मिस्टर सार्थक हैज अदर इनकम एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट द टैक्स पेबल एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ द बिल्डिंग, देखो मैंने कहा यह मैटर हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रेट क्या है 20%, तो 20% इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लो तो टैक्स आ जाएगा 8,97,430, 20% निकालो सीधा सीधा, बहुत सीधा सिंपल है, 20% निकाल लीजिएगा तो बहुत सीधा सिंपल आपके कैलकुलेट हो जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ अनय इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग ट्रांसफर हुई तो वो उसके लिए बन जाएगी गिफ्ट, क्योंकि कैपिटल असेट्स है इसके लिए कैपिटल असेट्स है तो गिफ्ट बन जाएगी,
कैपिटल असेट्स है, तो मैंने कहा गिफ्ट बन जाएगी, और गिफ्ट मैंने कहा एसडीबी और जो उसने परचेज किया है डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा है या 10% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो ये 30 लाख है, तो ये 30 लाख आपके लिए क्या बन जाएगा सर, गिफ्ट बन जाएगा और गिफ्ट इनकम आपके टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये हमारा 13 बहुत इजी केस स्टडी था जिसको हमने यहां पर डिस्कस आपके साथ कर लिया। अब आगे आते हैं केस स्टडी नंबर 14, केस स्टडी नंबर 14 इसको लेते हैं अपन। मिस्टर नरेंद्र शर्मा एज 54 ईयर्स, एज कितनी आ रही है 54 ईयर, देखो सिंपल सा या नॉर्मल अपन बात करें, इंडियन सिटीजन कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस इन दुबई, ही फ्रिक्वेंटली विजिट इंडिया फॉर द बिजनेस पर्पस, डिटेल ऑफ विजिटिंग इंडिया आर एज़ फॉलो, और उसकी डिटेल आपके दे रखी है। कम टू इंडिया 3rd of December 2015 एंड लेफ्ट इंडिया 26th of April 2016, आने जाने की डिटेल। अगेन कम टू इंडिया 9th of September 2018 एंड लेफ्ट टू इंडिया 10th of January 2019। Again come to India 27th of December 2019 and left to India 20 of Feb 2020। ये आपके आने जाने की डिटेल दे रखी है जिसको अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। After what he decided to shift permanently India and closes the business in Dubai। और वो अब दुबई का बिजनेस क्लोज करके इंडिया में परमानेंटली सेट हो गया है। So he come to India on 27th of November 2020 and joined Indian company Cosmo Heritage India Limited at registered office Mumbai. और उसका registered office कहाँ पर है? मुंबई में। From 1st of December 2020 से उसने join कर लिया। From December 2020 he has taken a flat of rent 60,000 per month. और वहाँ पर उसने एक flat लिया rent पे। अब देखो 60,000 का रेंट दिखाई दे रहा है, 60,000 से ऊपर तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 194 IB, 50,000 या उससे ज्यादा का रेंट है, 5% TDS काटना होगा और अभी ड्यू टू द कोविड इंपैक्ट 3.75% का रेट काम करेगा। मिस्टर सार्थक एन इंडियन रेजिडेंट एंड सार्थक हैज प्रोवाइड द पैन नंबर टू मिस्टर नरेंद्र शर्मा, फॉलोइंग डिटेल हिज सैलरी इनकम अर्न इन इंडिया, बेसिक सैलरी 2,75,675 पर मंथ है, पर मंथ। तो सैलरी जब से इसने जॉब ज्वाइन किया दिसंबर से वहां से इसको मिलेगी 1st of December से। फिर आ रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, ये भी आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा, 1,20,200 फुली टैक्सेबल हो गया। HRA 1,37,838 पर मंथ, जो रेंट पे करा है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, HRA का 10-13A का एडजस्टमेंट के साथ करना पड़ेगा, 10-13A का एडजस्टमेंट भी देखना होगा क्योंकि रेंट पे कर रहा है 60,000। अदर अलाउंस 1,56,000, बाकी के जितने भी अलाउंस है वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, मैंने आपको बताया था। फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 20 टू नवंबर 20 हिज बिजनेस इनकम अराइजिंग दुबई इज 26 लाख, और वो दुबई की इनकम कितनी आ रही है 26 लाख, ही इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स इन दुबई, सच बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम दुबई, और बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा था उसका, दुबई से ही हो रहा था। तो अब अपन बात करें उसका स्टेटस। इसके अलावा अपन यहां पर बात करते हैं, ही इज एक्टिव इन द इक्विटी शेयर्स, अब उसने इक्विटी शेयर्स भी खरीदे बेचे हैं, इक्विटी शेयर्स ट्रेडिंग कर दी शेयर मार्केट की। आफ्टर कमिंग टू इंडिया, इंडिया आने के बाद, फॉलोइंग आर डिटेल ऑफ हिज पोर्टफोलियो, और उसका पोर्टफोलियो के बता रहे, तो मैंने कहा था आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, क्या खरीदा क्या बेचा, परचेज सेल्स, कंपनी का नाम है, डेट परचेज सेल्स, क्वांटिटी प्राइस पर शेयर्स और ब्रोकरेज। परचेज किया फर्स्ट स्माइल लिमिटेड 10th ऑफ दिसंबर 2020 250 कितने में प्राइस में 203, और ब्रोकरेज भी पे किया, तो ब्रोकरेज का डिडक्शन मिल जाएगा कैपिटल गेन के अंदर, लेकिन एसटीटी का नहीं मिलता, तो एसटीटी नहीं बता रहा, वो कह रहा ब्रोकरेज पे किया है। परचेज रेनबो लिमिटेड है, ये आपके पूरा का पूरा लेजर दे रखा है, ये अपन एक साथ डिस्कस कर लेंगे जिसमें परचेज सेल्स आपके दे रखी है। अपन डिटेल पे आते हैं, फॉलोइंग एडिशनल डिटेल ऑल्सो गिवन बाय नरेंद्र, फर्स्ट स्माइल लिमिटेड इश्यू बोनस शेयर्स ऑन फर्स्ट ऑफ 1:1, बोनस शेयर्स जो है 1:1 यानी एक के बदले एक, एक के बदले एक, किसके लिए है, फर्स्ट स्माइल लिमिटेड को, इसको जितने शेयर आपने परचेज किए हैं तो जितने शेयर आपके पास हैं उसके बदले में 1:1 आपको बोनस शेयर इश्यू हो गए, तो फर्स्ट स्माइल सेल्स के जितने भी आपके परचेज हुए ना उसके लिए बता रहा है।
रेनबो लिमिटेड डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड ऑन 200% ऑन 28th of Feb 2021, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 10 rupees. द रिकॉर्ड डेटेड 31st of January 2021 इस केस में आपके बता रहा है. तो अब अपन यहां पर बात करते हैं. पहला, डस ही डस नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 115 बीएससी के अंदर नहीं बता रहा. बीएससी के अंदर नहीं बता रहा. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा है. 14.1. अब इसमें समझते हैं. मैंने कहा आपको जो वो रिक्वायर्ड कर रहा है उस पर ध्यान देना. तो आपको क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर द प्रीवियस ईयर 2021. तो देखो मैंने यहां पर कैलकुलेट कर रखा है पूरा का पूरा उसका प्रीवियस ईयर. नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन इंडिया रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 27th of November 2020 को आया. कब तक रहा, 31st March 2021 125 days. तो 182 डेज से कम है. लेकिन सेकंड कंडीशंस की अपन बात कर सकते हैं. तो इस केस में आपके बात करता है 125 डेज रह रहा है और उसके जस्ट प्रेसिडिंग 4 इयर्स के अंदर अपन बात करें तो ये आपके कितने दिन दिखाई दे रहा है. दिस वन 1920 में 56 डेज आ रहा है, 1890 में 120 डेज आ रहा है, 1718 में नहीं है और 1617 में आपके रहा 1st of April 2016 to 26th of April 2016 यानी 26 डेज. टोटल लगा लो तो 206 डेज आपके इस केस में दिखाई दे रहा है. जबकि रहना कितना चाहिए था 365 डेज. तो ऐसे केस में यदि उसकी इनकम, यदि नए प्रोविजन के साथ देखता हूं 15 लाख से ज्यादा है तो अपन इस प्रोविजन को कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन यहां पर आपके 15 लाख से तो ज्यादा इनकम दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर ये आपके डिम्ड रेसिडेंट ही कंसीडर किया जाएगा आपके टैक्स के पर्पस से जो न्यू प्रोविजन के साथ उन्होंने कंसीडर किया गया है. अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड पेड बाय द रेनबो लिमिटेड टू मिस्टर नरेंद्र. तो मैंने कहा कि अब इस डिविडेंड के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगी कंपनी. तो डिविडेंड रिसीव बाय रेनबो लिमिटेड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द नरेंद्र. नरेंद्र के टैक्सेबल होगा. टैक्स 525 इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट इट सोर्स और वो टीडीएस डिडक्ट करेगी कंपनी. उसका टीडीएस डिडक्ट करके उसको पेमेंट करने के लिए बताती है. तो नरेंद्र के हाथ में इनका विथ होल्ड टैक्स आ गया. डिविडेंड आपके टैक्सेबल होगा विथ होल्ड टैक्स, यानी जो आपका रिसिपिएंट है उसको टैक्स देना है. कंपनी उस पर टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगी. आगे आते हैं, अगला थर्ड, व्हाट शैल बी टीडीएस लायबिलिटी ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर द रेंट पेड टू सार्थक. तो मैंने आपको 194 IB के अंदर बताया था कि यदि रेंट 50,000 या उससे ज्यादा है तो वहां पर आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना होगा. ड्यू टू द कोविड इंपैक्ट 14th ऑफ मई 2020 टू 31st मार्च 2021 ये कंसेशनल रेट यूज करनी होगी 3.75%. और ये पेमेंट कब करना होगा, लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी या फिर एंड ऑफ द जो आप कह रहा है उसमें. तो यहां पर हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स और उसकी रेट है 3.75%. तो यस, नरेंद्र इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस 194 IB 9,000 इन द मंथ ऑफ मार्च 2021. तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इसको टीडीएस इस पे जमा कराना पड़ेगा क्योंकि इसका रेंट 50,000 या उससे ज्यादा आपके दिखाई दे रहा है. व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इन द हैंड ऑफ द नरेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. तो अपन वर्किंग नोट में आते हैं. तो सैलरी उसे मिल रही है दिसंबर 2020 टू 31st मार्च 2021 तो 2,75,675 ये आपके आ जाएगी 11,02,700. फिर आपके COLA आपके आ गया 1,20,200 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये आ जाएगा डियर 4,80,800 एंड HRA आपके आ रहा है 1,37,838 4 मंथ्स का दिस वन. और इसमें मैं एग्जम्पशन दूंगा लेस एग्जम्पशन सेक्शन 10(13A) का. तो देखो आपके मैंने बताता हूं कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ द HRA 50% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड मैंने यही कर दिया आपको इजी रहेगा. रेंट पेड 4 मंथ्स का लिया उसमें 10% ऑफ द सैलरी. सैलरी का मतलब ये प्लस ये इसने लिया है, उसने कहा पार्ट ऑफ द सैलरी का है. तो ये लेस करने के बाद आ जाएगा 81,650 और ये तीनों में से कम है. 81,650 लेस करने के बाद टैक्सेबल एचआरए आ गया दिस वन 4,69,700
2 rupees. Other allowances fully taxable है 1,56,000 multiply by 4 fully taxable है, तो add कर दो, this is the come out of the gross salary. Total तो आप लगाई लोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, gross salary. Salary आ गया, फिर कन्वेंस ये आपके आ गया, local allowances आ गया. HRA में से आपको exemption देनी है section 10-13A का, remaining amount taxable करोगे, और फिर उसके बाद अदर अलाउंसेस आपके आ रहे हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं. तो ग्रॉस सैलरी क्या, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना 50,000 का, तो ये टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा 26 लाख आपके 27,202 रुपीज. तो ये आपके आंसर आ जाएगा 26,27,202. यदि वो न्यू ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करता है, न्यू ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करता है, तो उसके साथ डियर आपके सीज में बता रहा है. मैंने आपको फटाफट प्रोसेस करी है कवर करवाने की, तो ये पूरा का पूरा सैलरी का कैलकुलेशन भी मैंने आपको कर रखा है, तो आप फटाफट देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अब आते हैं आगे. आगे उसने वो शेयर्स को परचेज सेल्स की डीलिंग बताई गई है, तो परचेज सेल्स की डीलिंग दी गई है, तो उसके अपन कैलकुलेशन कराते हैं. इसमें अपन आते हैं, देखो परचेसर्स की डीलिंग दे रखी है आपके, तो अब इसमें आगे फिफ्थ वाले पे आते हैं अपन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर नरेंद्र सेल्स ऑफ शेयर्स. अब देखो शेयर्स का सेल्स परचेज हो रहा है, तो उस केस में आपके यहां मैंने कहा पूरा का पूरा लेजर दे रखा है आपको, इतना बड़ा लेजर दे रखा है, ये पूरा का पूरा परचेज सेल्स का दे रखा है. तो मेरा कैपिटल गेन कब होगा, जब मैं बेचूंगा, तो मेरी जो जो सिक्योरिटी बिक्री है ना, मैं उसी पे फोकस कर लूं. देखो फर्स्ट स्माइल बिक गया, यहां पर आपके फर्स्ट स्माइल बिक गया, तो इसको भी फोकस कर लो. रेनबो बिका है क्या, नहीं बिका, छोड़ो. मेगा सर्विस सेल्स हो गया ये रहा सेल्स, तो दो ही स्क्रिप्ट बिकी है, उन्हीं को फोकस कर लो. दो ही स्क्रिप्ट बिकी है, उन्हीं को फोकस कर लो. तो जो ये परचेस सेल्स हुई हैं, उनका मैंने पूरा का पूरा आपका लेजर ही तैयार कर लिया. आप देखो इसमें ये रहा फर्स्ट स्माइल बिका है, तो फर्स्ट स्माइल के वो कितनी स्क्रिप्ट बेचने के लिए बता रहा है, वो कह रहा है कि आपके सेल्स हो रही है 18th of December 2020 को 100 यूनिट रेट 325 का बता रहा है, तो यह जगह 32,500. फिर 23rd of March 2021 को 200 स्क्रिप्ट बेची है, तो ये आपके आ गई कितनी 150, और आपके 150 की रेट से बेचकर आपके ये जगह 30,000, तो डियर आपके 62,500 आ गया, 62,500 आ गया. अब बच्चों यहां पर ध्यान देखो, परचेज हुई थी अपने 250 स्क्रिप्ट 303 रुपीज की, तो अपने परचेज प्राइस ये है. अब इसमें एक चीज ध्यान देना, जब मैंने परचेज 250 की लेकिन 300 कैसे बेच दी, तो बोनस मुझे मिला है 1:1, इसलिए मेरे पास यहां पर स्क्रिप्ट है. बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर इसने जब मेरे पास है 250, मैं बेचूंगा कैसे 300, क्योंकि बेचूंगा इसलिए क्योंकि मेरे पास यहां पर क्या आया, यहां पर मेरे पास आ गया दिस वन बोनसेस, इसलिए उसमें से बेचा है मैंने. तो ये चीज ध्यान में रखना. अब बेचने के बाद परचेज माइनस सेल्स माइनस परचेज करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से मेरे को ब्रोकरेज भी लेस करनी है, जो 1.5% परचेज के टाइम पर ब्रोकरेज पी गई है कोस्ट का पार्ट बनेगी. परचेज के टाइम पर जो ब्रोकरेज पे की गई है वो कोस्ट का पार्ट बनेगी, और सेल्स के टाइम पर ब्रोकरेज पे की गई है वो आपके ट्रांसफर एक्सपेंसेस मानते हुए लेस करनी है, वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस मानते हुए लेस करनी है. तो परचेज के टाइम वाली ब्रोकरेज तो मैंने ऐड की, परचेज के टाइम वाली ब्रोकरेज को ऐड की. बोनस शेयर्स की कॉस्ट होती है जीरो, बोनस शेयर्स की कॉस्ट होती है जीरो, तो मैंने जीरो कंसीडर किया है. और सेल्स करते वक्त ब्रोकरेज पे की गई है, तो ऐसे केस के अंदर वो मैंने ट्रांसफर एक्सपेंसेस मानते हुए लेस कर दूंगा, तो ये जगह 9,863 मेरा फर्स्ट स्माइल पे प्रॉफिट आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप जिस डेट को बेची गई है, तो 18th of December 2020 को एक बेचने की डेट आ रही है, एक आ रही है 23rd of March 2021 को सेल करने की डेट आ रही है. रेट आपके लेजर में दी गई है, उससे आपको कैलकुलेट करनी है. मैंने क्वेश्चन करा रखा है, वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है. इसके बाद मेगा सर्विसेज के अपन ने सेल्स किए हैं 26th ऑफ दिसंबर 2020 को 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 100, 15,000.
26 मार्च 2021 इनको 110 यूनिट बेची है 120 की रेट से, तो ये आ गया 1,21,000 दिस वन। अब ब्रोकरेज बेचते वक्त दी गई तो लेस हो जाएगी, ये आ गया 488, तो ये आ जाएगा 26,612, और खरीदते वक्त मैंने जो ब्रोकरेज पे की गई वो ऐड हो जाएगी, वो खरीदते वक्त वाली ऐड होगी, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने ये स्क्रिप्ट परचेज की गई थी कितनी 150.82 की रेट से 12,300, और 110 यूनिट 110 की रेट से आपने 12,100। तो ये आपके टोटल आ गया दिस वन, और इसमें जो ब्रोकरेज दी गई वो ऐड कर देना, ऐड करके ये लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1846 का। तो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा दिस वन, ऐड कर दूंगा तो 11,709 रुपीस, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक रुपए का फर्क है वो फ्रैक्शंस डिफरेंस की वजह से आपके दिखाई दे रहा है, तो बाकी का आपको फ्रैक्शंस मैंने कहा इग्नोर कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 11,708 रुपीस। तो ये 89 रुपीस आपके इसमें बता रहा है, तो वो फ्रैक्शंस डिफरेंस है तो कोई इशू नहीं है, अपन ने फ्रैक्शंस को पूरा कंसीडर करके लिया है तो आपको इस पर ध्यान ज्यादा नहीं देना, और ये कैलकुलेशन मैंने आपको करवा रखी है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके आंसर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट 15 केस स्टडी पे, 15वीं पे, अच्छा केस स्टडी है ये भी। मिस्टर अक्षय बियानी सेलिब्रेट हिज 26th बर्थडे ऑन 15th ऑफ मई 2020 एंड अरेंज ए ग्रांड पार्टी, बड़ी सारी पार्टी मना रहा है, ग्रांड पार्टी रेडिशन ब्लू होटल, किसमें मना रहा है, रेडिशन ब्लू होटल में मना रहा है। ऑन दिस ओकेजन ही इनवाइट हिज फ्रेंड, उसने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, ब्लड रिलेटिव और अपने जो ब्लड रिलेटिव है उनको बनाया, एंड डिस्टिंक्ट रिलेटिव टू अटेंड द पार्टी। द सेरेमनी वॉज वेरी ग्रांड, बहुत बढ़िया बनाई थी, फेस्ट वॉज ऑल्सो वेरी स्पिक्चर, ऑल द अरेंजमेंट एंड द डेकोरेशन वर द एब्सोल्युटली वंडरफुल वंडरफुल। एट द एंड ऑफ द पार्टी मिस्टर अक्षय वॉज अवार्डेड बाई गिफ्ट एंड फ्लावर ब्लैंकेट इन द इंफ्रा। तो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम, जैसे अपन बात करते हैं मदर से आ रहा है, टाइप ऑफ गिफ्ट 22K गोल्ड चैन, सी परचेज ऑन द सेम डे दिस वन, गोल्ड चैन मदर से आ रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि रिलेटिव है, फादर से भी मिल रहा है 22K गोल्ड ब्रेसलेट है, तो ही परचेज द सेम डे 56,075 की रेट से। वाइफ भी रिलेटिव है, 4 गोल्ड रिंग्स, रिंग्स चार हैं, सी परचेज दिस रिंग ऑन 15th of May 2019 फॉर 35,500 ईच, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 15th May 2020 37,429 ईच, ईच है देखो ईच, तो चार है तो क्या हो जाएगी रेट मल्टीप्लाई बाई 4, 1,49,716, ये चीज ध्यान रखना 1,49,716 आपके इसमें आ जाएगी। सिस्टर है, रिलेटिव है, पेंटिंग आ रही है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 45,000, लेकिन पेंटिंग आपके कैपिटल असर्स होती है, पेंटिंग आपके क्या होती है कैपिटल असर्स होती है। कजन ब्रदर रिलेटिव नहीं होता, टैक्सेबल रहेगा। 1 गोल्ड चैन ये आ रहा है 18,200, तो ये 50,000 से कम है तो आपके टैक्सेबल नहीं होगा, 50,000 से ज्यादा भी होना चाहिए टैक्सेबल होने के लिए, तो ये एक्सेस नहीं है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्लोज कजन i20 कार वैल्यू ऑफ 4,10,000 कार कैपिटल असर्स नहीं होती है, नॉट ए कैपिटल असर्स। मोटर कार मैंने कहा, मोटर कार है, मोबाइल फोन है, कैपिटल असर्स की डेफिनेशन में नहीं आते, इनको एक्सक्लूड करना है। फ्रेंड अदर डिस्टिंग रिलेटिव कैश आपको मिला है 1,51,000, 50,000 से एक्सेस है तो भैया ये तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ये आपके टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 से एक्सेस है तो ये टैक्सेबल आपके हो जाएगा। एंड देन नाउ अपन बात करते हैं, मिस्टर आकाश डिजायर टू सेट अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ हिज फ्रेंड इन द पार्टनरशिप ऑन 1st of December 2020, द मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द फर्म ही सोल्ड फॉलोइंग ज्वेलरी विच ही हैज रिसीव ऑन 26th of birthday सेलिब्रेट ऑन द गिफ्ट, गिफ्ट को यहां पर बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसने ये चीजें बेची गई हैं। तो बेची गई है तो आपके कैपिटल गेन किस तरह से होगा, तो मैंने आपको बताया था जब आपको गिफ्ट मिलती है रिलेटिव वगैरह से मिलती है तो कोस्ट अपन लेके चलते हैं प्रीवियस ऑनर की, तो जो मदर है तो आपके टैक्स नहीं लगेगा गिफ्ट में मिली थी, लेकिन जब आप इनको बेचोगे तो कोस्ट आपको प्रीवियस ऑनर की लेनी होगी, तो दिस वन आपके जाएगा 4,328। फादर गिफ्ट गोल्ड ब्रेस
लेट आ गया 68,180, तो इसमें आपकी कॉस्ट जो आपके प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आ रही है ना वो आप लेके चलोगे। कजन ब्रदर गिफ्ट गोल्ड चैन 20,600 ये आपके इसमें आ रहा है, तो आपके जो कॉस्ट है प्रीवियस ओनर की वो इसमें से लेस करते हुए चलो। हिज वाइफ गिव हिम ए 1 lakh एज ए गिफ्ट सो दैट कुड इन्वेस्ट सफिशियंट मनी इन द यूनिट। अब इस केस में उसने 1 lakh का गिफ्ट आपके लिए किया जिससे कि आप सफिशियंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी यूनिट में। ऑन 1st of December 2020 ही इन्वेस्ट 6 lakh इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव ऑन सेल्स ऑफ द अबव गिफ्ट अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिज वाइफ एंड हिज फ्रेंड इन्वेस्टेड रुपीज 4 lakh इन द फॉर्म। 4 lakh रुपए इस केस में आपके दिखाई दे रहा है कि 1st of December 2020 ही इन्वेस्ट रुपीज 6 lakh इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव ऑन सेल्स ऑफ द अबव गिफ्ट एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिज वाइफ, वो पूरा अमाउंट वाइफ से मिला भी इन्वेस्ट कर दिया, एंड हिज फ्रेंड इन्वेस्टेड रुपीज 4 lakh और उसके फ्रेंड ने इन्वेस्ट कितना किया 4 lakh। On 1st of Feb 2021, his wife again gave him 1 lakh as a gift to invest this money in the firm and apart from the invest 50,000 more from his individual savings. 1 lakh rupay aur diya, 50,000 usne individual savings se diya. On this day, this friend is also invest rupees 1 lakh in the firm. Toh the firm mein invest hua. Since the firm is the manufacturing unit, firm kaise bani hai? Manufacturing unit bani hai. And it initially states the firm required to sufficient fund, so Akshay sold his wife gift gold ring for rupees 40,250 each. यानी जो gold ring आ रही है उसको उसने बेच दिया sufficient fund के लिए 40,250 each हर एक को on 31st March 2021, and deployed the fund partners capital in the firm on 1st of April 2021 को लगाया है उसने, बेचकर उस पैसे को 1st of April 2021 को लगाया। बेस्ड ऑन फैक्ट द केस सिनेरियो आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर आकाश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो कितना होगा, तो देखो मैंने आपके यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन आपके लिए बना दी है। कितना होगा ये रहा, मदर का गिफ्ट मिला गोल्ड चेन 42,150, मदर ने कितने में खरीदा था वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, तो ये आ जाएगा 4,328। ये तो उसने बेचने की डेट तक रखा है और कॉस्ट आपको यहां से मिल जाएगी जो कि उसके यहां पर मदर ने परचेज किया दिस वन 37,822, फादर ने परचेज किया 56, तो ये सारी चीजें यहां से आ जाएगी। इसके बाद फादर गिफ्ट किया है 60,180 में बेचा और फादर ने परचेज किया था 56,75 में, तो ये आप क्या जाएगा 4,105। एंड कजन ब्रदर गिफ्ट गोल्ड चेन 20,600 माइनस दिस वन, तो ये आ जाएगा 2,400, तो टोटल आपके हो गया 10,833 कैपिटल गेन आपके इसमें आ जाएगा। तो ये आपका कैपिटल गेन इसमें आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर एज ए इनकम अंडर सेक्शन 56.2.10। देखो वो गिफ्ट जो टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा जो कि टैक्सेबल नहीं है, जो रिलेटिव से मिला 50,000 से कम है और मोटर कार है वो आपके टैक्सेबल नहीं है। पहली कौन सी, देखो आपके ये मिला किससे मिला, मदर से मिला, फादर से मिला, तो ये चीजें अपन टैक्सेबल नहीं करेंगे। देखो कौन कौन सा टैक्सेबल नहीं है, तो मैं ग्रीन टिक लगाता चलता हूं जिससे कि आपको ध्यान में रहेगा, ग्रीन टिक ये टैक्सेबल नहीं है, एक फादर से मिला ये भी नहीं है दिस वन, ये चार जनों से है तो दिस वन, फिर उसके बाद ये भी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि ये 50,000 से कम है, मोटर कार गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आती, ये टैक्सेबल है, और इसके अलावा ये 1 lakh का ये गिफ्ट मिला और 1 lakh एक बार उसने और दिया है, तो ये गिफ्ट वाइफ से मिला है तो ये टैक्सेबल नहीं है। तो टोटल लगा लो आपका, ये आपके सामने आ जाएगा, तो ये टोटल लगाने के बाद आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा कितना 9,16,812, तो ये टोटल इस केस में कंसीडर हो गया जी, हो गया, तो ये हमारे इस केस में बता रहा है जो आपके टैक्सेबल नहीं है। तो वो अपन ने पूरी की पूरी लिस्ट ले, रिलेटिव से मिला जो 50,000 से कम है, मोटर कार है जो उसकी वाइफ ने गिफ्ट दिया, वो आपके टैक्सेबल नहीं है। आगे लेते हैं 15.3, व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर अक्षय फॉर द 2021। तो देखो
अक्षय से मिला, कैश गिफ्ट है 50,000 से एक्सीड है, तो भैया 50,000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल होगा, 1,51,000 पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से एक्सीड है, फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द अक्षय वाइफ इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ ज्वेलरी बाय द अक्षय, इफ यस व्हाट शैल बी द टैक्सेबल अमाउंट इन द हर हैंड 2021। तो देखो यहां पर उसने बेचा है चार गोल्ड चेन थी, 40,250 क्रेट से बेचा, चार थी 1,61,000 परचेज कितने में क्या एक्चुअल उसने परचेज की थी, ये एक्चुअल लेनी है, एक्चुअल में परचेज फेयर मार्केट में नहीं, एक्चुअल लेनी है ये, तो 35,500 और चार परचेज किए गोल्ड, तो ये आ जाएगा 1,42,000, तो डिफरेंस आ गया 19,000 हमारा यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके आ जाएगा, यस वो टैक्सेबल इसके लिए हो जाएगा। तो ये हमारे आपके टैक्सेबल होने के लिए बताएगा। तो ये डियर अपने यहां पर अपने 15 केस स्टडी मैंने आपको करवा दी है आज, फटाफट फुल स्पीड से आपको 15 केस स्टडी करा दी है, और इसका मैंने कहा कि आपको पूरा का पूरा आपको पूरा पीडीएफ जो मैंने आपको बोर्ड पे कराया है पूरा सॉल्यूशन के साथ है, आपने पांचों हेड पढ़ रखे हैं मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स के अंदर और आपके डिडक्शन वगैरह सब आपने कर रखे हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट आप केस स्टडी को कर लोगे। तो मैंने कहा ज्यादा आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इसको फटाफट गो थ्रू होते हुए एक बार चलना है, एक बार आपने एक बार केस स्टडी को कर लिया तो उसके कुछ की पॉइंट्स को ही आपको नोट करके लिखना है, बाकी का तो मैंने पूरा का पूरा आपके लिए इजी हेल्प करने के लिए पूरा पीडीएफ आपको यहां पर वीएसआई ड्राइव पर आपको लिंक दे रहा हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना तो आपका उसमें भी टाइमिंग बच जाएगा, कैलकुलेशन कैसे की गई है वो पूरी की पूरी उसके साथ आप यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आई थिंक आपको यहां तक 15 केस स्टडी बहुत इजी लगी होगी, फटाफट आपके समझ में आ गई होगी, फिर भी डियर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल कर लेना। थैंक यू वेरी मच।